हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का 10th का एनसीईआरटी बुक। तो चलिए देखते हैं चार नंबर क्वेश्चन। मैं पहले वीडियो में आप सबको बताया था, अगर आप सबको समझ में नहीं आया होगा वीडियो, कम समझ में आया होगा, तो एक वीडियो और बना देता हूँ मैं इसके ऊपर। 306.657 = 9 दिया था और एलसीएम ज्ञात करना था। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैं बनाया हूँ। इससे पहले आप सब जाकर देख सकते हैं, इस वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगा, आप सब जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा इसी वीडियो में, तो आप सब जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन में आप सबको बताता हूँ अपने तरफ से और समझाता हूँ। प्रश्नावली 1.2 का चार नंबर क्वेश्चन पे है ये, चलिए इसको बनाते हैं। 18.504 = 18। एच सी एफ हमारा दिया हुआ है 18, देख सकते हैं आप एच सी एफ यहाँ पे 18 दिया है हुआ है और बोल रहा है एलसीएम ज्ञात करने को हम लोगों को। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे एलसीएम का फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और इसको बनाएंगे पहली संख्या हमारा हो जाएगा 18, देख सकते हुए 18 दिया हुआ है पहली संख्या, दूसरी संख्या दिया हुआ है हमारा 500 400, ये हमारा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एच सी एफ, बटा हमारा में बटे में एच सी एफ हो जाएगा। पहली संख्या हमारा हो जाएगा 18 गुने दूसरी संख्या हो जाएगा 504 और बटा में एच सी एफ हमारा हो जाएगा 18, तो 18 से 18 कट जाएगा इस, और 18 से 18 कट गया और हमारा आंसर हो जाएगा 504। देख सकते हैं पहली संख्या हमारा है 18, दूसरी संख्या है 504, 18 से 18 कट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 504। और आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चार नंबर क्वेश्चन में पहले बना चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप सब जाकर देख सकते हैं।